हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाली है कि कैसे आप प्रो कबड्डी में जा सकते हो या कैसे आप प्रो कबड्डी में अपना सिलेक्शन करा सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप कबड्डी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए खेल रहे हो या आपका पर्पज़ सिर्फ पैसा कमाना है कबड्डी के अंदर, तो दोस्तों आप कबड्डी में कभी भी इस तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दोस्तों आपके अंदर यहाँ पे जुनून और हार्डवर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कबड्डी में अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 स्टेप आपको बताई हैं, अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली प्रो कबड्डी में जा सकते हो या प्रो कबड्डी में आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो। तो दोस्तों आप चाहे इन 5 स्टेप को कहीं पर लिख सकते हो या आप इन्हें सुन सकते हो और आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों स्टेप बने, आपको यहाँ पे सुबह और शाम डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो या आप योगा कर सकते हो, और आपको अपने डाइट पर काफ़ी ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी स्पोर्ट्समैन के पीछे ये 3 कारण होते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट और हेल्थ पर काफ़ी ध्यान रखता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी डाइट यहाँ पे अच्छी लेनी है और आपको डेली एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है। और दोस्तों स्टेप नंबर 2, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने स्टेट या आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जिले में एक लोकल कबड्डी क्लब या आप कबड्डी एकेडमी बोल सकते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा कोच हो, आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छे प्लेयर के पीछे एक अच्छे जो कोच की मेहनत होती है दोस्तों वही होती है। चाहे आप किसी भी अच्छे कबड्डी प्लेयर को ले सकते हो, हर एक प्लेयर के पीछे एक बेहतरीन या एक अच्छे कोच की मेहनत होती है दोस्तों। और वो कोच ही आपको बताएगा कि आपको डाइट में क्या लेना है, आपको मतलब किस किस तरह यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों यही आपको एक कबड्डी एकेडमी आप वो आस पास या आपके स्टेट में या आपके जिले में डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो। और दोस्तों स्टेप 3, अगर आपके आसपास यहाँ पे कोई भी स्टेट लेवल मैचेस होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस होते हैं या कोई टूर्नामेंट होते हैं, तो आपको हर एक टूर्नामेंट खेलना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है, इससे जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका गेम ऑटोमेटिक अच्छा होता चले जाता है। दोस्तों स्टेप नंबर 4, आप जो काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको अपनी स्टेट नेशनल कबड्डी टीम में सेलेक्ट होना है। अगर दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो 70% चांसेस, अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप प्रो कबड्डी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टेट नेशनल कबड्डी टीम में सेलेक्ट नहीं होते हो तो यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी कम चांस हो जाते हैं कि आप प्रो कबड्डी में चले जाओगे। क्योंकि दोस्तों जो प्रो कबड्डी में होते हैं गाइस, में भी स्टेट जो चैम्पियनशिप होती है, जो प्लेयर वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उन्हीं को खरीदती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे अपने जो स्टेट की नेशनल कबड्डी टीम है उसमें सेलेक्ट होना है, और अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो कोई भी टीम आपको यहाँ पे खरीद सकती है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टेट टीम में अपनी स्टेट नेशनल कबड्डी टीम में सेलेक्ट नहीं होते हो तो इससे काफ़ी कम चांसेस है कि आप प्रो कबड्डी में जा सकते हो। और दोस्तों स्टेप नंबर 5, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली हार्डवर्क करते रहना है। और दोस्तों यही यहाँ पे कुछ 5 स्टेप थे, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली प्रो कबड्डी में जा सकते हो। और दोस्तों एक बात और, जो बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी और अब मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कबड्डी सिर्फ अपने पैसे के पर्पज़ से खेलते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे सक्सेस प्रो कबड्डी में नहीं हो पाओगे। दोस्तों किसी भी गेम में अगर आप पैसे के लिए खेलते हो दोस्तों दोस्तों वो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। आपको यहाँ पे अगर आपका अंदर जुनून है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है यहाँ पे कबड्डी के बारे में, अगर यहाँ पे आपको नहीं पता है कि आपके स्टेट में कौन सी यहाँ पे बेहतरीन वो अच्छी कबड्डी की एकेडमी है, तो आप मुझे कमेंट में अपना स्टेट का नाम लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके स्टेट में यहाँ पे कौन सी अच्छी कबड्डी की जो एकेडमी है वो कौन सी है, मैं आपको बता दूंगा।
दोस्तों आज की वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कबड्डी, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।